बाकी सारे जो ऑफर लेटर थे वह केवल अखबार की सुर्खियों के लिए, केवल मीडिया को कैंपेन करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। 5,000 ऑफर लेटर थे तो निश्चित तौर पर उनका यह जो आंकड़ा है यह बहुत संदेहास्पद स्थिति है उत्पन्न करती है। नियुक्ति को पूरा करने के लिए उपयुक्त नियमावली की आवश्यकता होती है जो यहाँ के युवाओं के हक में हो। सरकार के गठन के बावजूद जब सरकार इनके समाप्त होने के कगार पे है, अर्थात 4 साल बीत चुके, अब जो है इनकी सरकार जाने वाली, निश्चित तौर पर उनका यह आंकड़ा, उनका यह कार्य जो है ये रोजगार के हित में बेहतर कदम रहे। देख रहे हैं 22 को, और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है पिछले कुछ दिनों से जो हमारे इस झारखंड राज्य के मुखिया हैं वो काफ़ी पलामू के भ्रमण पर आए, दो दो बार आए। एक बार उन्होंने छात्रों के बीच ऑफर लेटर बांटा, साथ ही साथ दूसरी बार जब वो आए तो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित किया, साथ ही विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों का वितरण किया और अपने जो उनकी सरकार की उपलब्धियां हैं उसे गिनाने की कोशिश की। अब इन सब पर यहाँ के जो युवाओं की क्या राय है और साथ ही इस पर वे क्या जो मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं या फिर उन्होंने जो अपनी सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई हैं, इन सब मामलों की जानकारी हेतु हम आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे और जानेंगे जो इन मामलों पर विशेष पकड़ रखते हैं, साथ ही राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात को रखते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आनंद कुमार और वो हम चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जो राज्य सरकार जो दावा कर रही है, मुख्यमंत्री जो लगातार यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, उस पर उनकी क्या राय है। बहुत आपका हार्दिक स्वागत है बायोस्कोप पर। धन्यवाद, सबसे पहले पूरे बायोस्कोप की टीम को धन्यवाद। रहा बात आपके प्रश्न का, तो मैं एक बात निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा कि विगत कुछ दिन पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी का पलामू दौरा हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात तब होती जब ये अपने सत्ता सौंपने के बाद, अर्थात जब इनको सत्ता मिली, तब एक प्रारंभिक दौरे से लगातार दौरे करते और उस दौरे में विकास की बातें होती ना और रोजगार की बातें होती तो निश्चित तौर पर यह हम सभी के लिए बेहतर होता। मुख्यमंत्री तो रोजगार की बात कर ही रहे हैं, वो तो कर रहे हैं और पिछली बार जब वो आए तो उन्होंने तमाम 5,000 से भी अधिक युवाओं को ऑफर लेटर भी सौंपा था। वे तो उनका ये कहना है कि वो तो रोजगार दे ही रहे हैं, अब आप उस पर रोजगार पर क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करें उनके 5,000 ऑफर लेटर की तो निश्चित तौर पर उनका यह जो आंकड़ा है यह बहुत संदेहास्पद स्थिति है उत्पन्न करती है, क्योंकि ऐसा हमें अनुमान है और बहुत विभिन्न सूत्रों से हमें ज्ञात होता है कि 5,000 जो उन्होंने ऑफर लेटर बांटा था उसमें बहुत कम ऐसे छात्र हैं या छात्राएं हैं जिन्हें वास्तविक उस ऑफर लेटर को जो जिन्होंने उसका उपयोग करते हुए उस कंपनी को ज्वाइन किया। बाकी सारे जो ऑफर लेटर थे वह केवल अखबार की सुर्खियों के लिए, केवल मीडिया को कैंपेन करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। यह निश्चित तौर पर उनका यह आंकड़ा, उनका यह कार्य जो है ये रोजगार के हित में बेहतर कदम रहे। तो जो सरकार की तरफ से उन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाई है उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? अगर हम सरकार के कार्यकाल की बात करें तो प्रारंभिक दौर से अभी तक उपयुक्त नियमावली नहीं बनी है। नियमावली आप समझते होंगे कि किसी भी नियुक्ति को पूरा करने के लिए उपयुक्त नियमावली की आवश्यकता होती है जो यहाँ के युवाओं के हक में हो, लेकिन सरकार के गठन के बावजूद जब सरकार इनके समाप्त होने के कगार पे है, अर्थात 4 साल बीत चुके, अब जो है इनकी सरकार जाने वाली है, तो सोच रहे हैं कि बस वहाँ पर हमें दौड़ कर लगातार जो है अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जो है क्षेत्रों में भ्रमण करके लोगों को दिग्भ्रमित करके फिर से लोगों को गोलबंद करके अपने पाले में वोट ले ले। परंतु ये जो है शुरुआती दौर से, आप अगर इनके कार्यकाल के प्रारंभिक चरण की बात करेंगे तो केवल पूर्व की सरकार की नोटिफिकेशन वाली परीक्षाओं को पूरा करने के अलावा इस सरकार का अपना अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन लागू होने के बाद यह सरकार अभी तक एग्जाम लेने में असफल रही है। आपको पता होगा कि झारखंड CGL के एग्जाम लगभग 12,00,000 विद्यार्थी हैं, हर साल सरकार डाटा जो है बढ़ाती जा रही है। अभी 1500 के एग्जाम होने वाले थे, वो भी एग्जाम कैंसिल हो गई, पता नहीं वह कब होगा। अभी और आपको निश्चित तौर पर जानना चाहिए पूरे राज्यवासियों को भी कि सरकार के गठन के बावजूद 4 वर्ष बीत चुके लेकिन अभी तक टेट की एक भी परीक्षा नहीं हुई, जबकि यह प्रतिवर्ष
होने वाली परीक्षा है। अतः इन बहुत सारे आप लगातार इन सरकार के जितने भी क्रियाकलाप है, जैसे अभी नगर पालिका के एग्जाम हुए और भी बहुत सारे एग्जाम हुए, उसमें भी लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं अलग अलग हिस्से से, इसके जो है उसमें नकल की, तो कहीं क्वेश्चन बैलेट कमी की, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को प्रारंभिक तौर से विचार करने चाहिए। लेकिन ये सरकार जो अभी तक ये अपने रोजगार के मामले में विफल है, युवा अफसोस कर रही है कि हमने एक युवा को बेहतर परिवर्तन के लिए, रोजगार के बेहतर स्थिति को उत्पन्न करने के लिए इन्होंने सब पर सत्ता सौंपा, लेकिन ये इसमें अभी तक असफल है।